अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम बार बार वहाँ कबर्ड की तरफ क्यों देख रही हो? आवाज भी इधर से ही आई थी ना कुछ टूटने की। अरे कबर्ड में कुछ नहीं है, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। देख तो लिया है, कितनी बार देखोगी जब कुछ है ही नहीं कबर्ड में। तुम हटो। देखो कुछ भी तो नहीं है। ये आफत फिर से वापस आ गई। ये प्लाई कैसे टूटी? कुछ भारी रख दिया था, टूट गई होगी। तुमने तो कहा था कि सामान रखा ही नहीं है कुछ। भूल गई ना यार, रवि चाचू को बोल के ठीक करवा दूंगी, यू डोंट वरी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कोई शक है क्या मुझ पे? एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि मेरी अपनी बहन ही मुझे शक की नजरों से देखने लगी। मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ मनु, मुझे बस ये इंश्योर करना है कि तुम दोबारा कोई गलती ना कर दो जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। That's it. तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी क्योंकि अब मैंने लोगों को पहचानना सीख लिया। हाँ मन्नू, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो तुम, I'm proud of you। नानी अम्मी को दवाई देकर आती हूँ। एक बात पहचानने में गलती हो गई मुझसे, तुम्हारा असली चेहरा बहुत देर बाद सामने आया मेरे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं हमेशा सोचती थी कि सुभान और मन्नत का रिश्ता हो जाएगा ना तो मेरे और कायनात के रिश्ते भी बहाल हो जाएंगे, मगर मेरे चाहने से क्या होता है। मन्नत ने हाँ जरूर करी है, पर एक बार मुझे तसल्ली हो जाए, एक बार बस पता चल जाए कि वो इस रिश्ते के लिए अपनी मर्जी से मानी है और खानदान के दबाव में आकर हाँ नहीं कर रही है, तो फिर आप देखिएगा मैं धूम धाम और पूरी रस्मों के साथ शादी की तैयारी करूंगी। अल्लाह दुआ, अब और कौन सी तसल्ली करनी है? मन्नत ने सोच समझ के बाकायदा सबके सामने फैसला लिया है। मन्नत पर कोई दबाव नहीं है और ना ही किसी ने उसको मजबूर किया है। फिर रिश्ता पक्का करने में देरी क्यों? अम्मी मान लेती हूँ कि मन्नत ने अपने मन से हाँ करी है और ना कि दबाव में आकर, लेकिन कायनात, कायनात को तो आप जानती हैं ना, कायनात सुभान की माँ है। अगर वो नहीं चाहेगी तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अम्मी ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। आप भाभी, कायनात का स्वभाव हम सब जानते हैं, वो गुस्से में किसी की भी नहीं होती। अगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें भी वही खून है जो हैदर भाई में था, अगर हम सब मिलकर बैठकर उसे समझाएंगे तो शायद वो मान जाएगी। भाभी दोनों बच्चों की खुशी के लिए हमें ही पहल करनी पड़ेगी। रवि बिल्कुल सही कह रहा है, मैं मानती हूँ दुआ कि हम लड़की वाले हैं और कायदे से रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं, मगर यहाँ तो लड़का भी हमारा ही है और बच्चों की खातिर अगर हमने पहल कर भी ली तो हमारा कद छोटा थोड़ी हो जाएगा। दुआ मेरी बच्ची, तू बड़ी है, तुझे बड़प्पन दिखाना पड़ेगा बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी,
अगर सर झुकाने से रिश्ता मजबूत होता है तो मुझे सर झुकाने में कोई एतराज नहीं है अम्मी, आपकी तालीम में नहीं भूली हूँ, मगर कायनात कायनात इस बारे में कभी बैठकर बात नहीं करना चाहेगी। अगर वो चाहेगी भी तो मुझसे बोलेगी नहीं, तो मैं जानती हूँ कि पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर, सुभान से शादी करने के लिए तैयार। पता नहीं अब भी मन में खटक हो रही है, अन्नत अचानक से इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ही नहीं सकती। अगर उसके मन में 1% भी हाँ होती तो वो मुझसे डिस्कस जरूर करती। उसने बिना बात किए सबके सामने जुबान से रिश्ता मंजूर कर लिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक बात याद रखना, दोबारा मेरे बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मैं मानेंगी। अम्मी को मेरी खुशियां दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने कभी कोई जिद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। अम्मी को मेरी ये छोटी सी विश पूरी कर देनी चाहिए, पर अम्मी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि मन्नत ने जो किया है वो गलत किया है। वो उस रात इस घर से अकेले नहीं गई थी, इस घर की इज्जत को अपने साथ ले गई थी। लेकिन मेरी इबादत ने इस घर की इज्जत को बचाया है, और मन्नत ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया जिसे हम माफ ना कर सकें और उस पर सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाए। उससे इंसान को पहचानने में गलती हुई है, लेकिन उसकी उम्र में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है। आज उसने सुभान का रिश्ता मंजूर किया है तो पूरे दिल से किया है। वो मेरी बेटी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, और वो कोई खुले छत की चिड़िया नहीं जो अपना ठिकाना बदलती रहती है। तुम भी इस रिश्ते को कबूल कर लो ना। तुमने कहा था ना कि सुभान और मन्नत के बीच का रिश्ता हमारे रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा, तो चलो आज इस रिश्ते को कबूल करो और हमारे रिश्ते के मैल को मिटा दो। Sorry, are you okay? I'm fine. मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम किन ख्यालों में गुम हो? अब तो मन्नत ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, फिर क्या सोच रहे? Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।